Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। So guys, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 15 मिनट का, लेकिन आज 20 मिनट का होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था, कुछ एक टेक्निकल कारण की वजह से। मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो यार चल नहीं पाया, मतलब उसकी वजह से फिर उसको डिलीट करना पड़ा, मतलब इवेंट को ही। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोशिश आज वापस से मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन का मिस हो गया है। तो 24th और 25th अक्टूबर, यानी कि कल का और आज का, आज संडे है वैसे तो, लेकिन इसलिए 2 दिन का कवर करने वाले हम लोग, 24 और 25 का। नियर बाय 20, 22, 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आपको मालूम है अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी एग्जाम के लिए तो 10% ऑफ आपको मिल सकता है अगर आप रेफरल कोड BHU10 या फिर BHUNESH BHUNESH10 यूज कर लो तो। ठीक है गाइज, मेरा SSC और UPSC में कोर्स चल रहा है, मेरे अलावा सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य ने मौ विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था गाइज, ये तो उड़ीसा के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि परसों के दिन था। हाल ही में सैन मेरिनो गणराज्य में नीना मल्होत्रा को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सैन मेरिनो की राजधानी क्या है? मुझे लगता है कि हमारे शायद यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे, मैक्सिमम लोगों को सैन मेरिनो कहाँ पर है ये भी पता नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा कंट्री है, मेरे ख्याल से कोई 35,000 के आसपास लोग हैं जो कि इस देश में रहते होंगे, और ऐसा बोला जाता है, आर्ग्यू किया जाता है कि US से भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि यहाँ पे दोस्तों बन गया था। तो बहुत ही छोटा सा कंट्री है, ओके, और कैपिटल भी इसकी सैन मेरिनो नाम से ही है, इटली के पास में। आप देख सकते हैं नीना जी को यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट एम्बेसडर है, जो कि रिपब्लिक ऑफ मेरिनो का बनाया गया है। ये देखिए यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है, जबकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। इटली देख रहा है आपको, इटली के ही बीच में ही देखिए, यहाँ पे तो आपका वेनिस है और ये देखिए बीच में छोटा सा कंट्री। इटली की अच्छी बात यह कि इटली वाला जो एरिया है ना, उसके अंदर रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी भी है, वो भी एक कंट्री है, और सैन मेरिनो भी इसी के बीच में एक कंट्री है। प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये कॉर्सिका नाम का है, ये फ्रांस का एक आइलैंड का पार्ट है। चलिए ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, छोटा सा है, मतलब माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो मंत्रिमंडल ने दोस्तों पंचायती राज सिस्टम के लिए दोस्तों पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलाउ करने के लिए बोला गया है, अप्रूवल दे दिया है दोस्तों, ताकि वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जा सके। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको यहाँ पे मालूम है गाइस कि 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी बना था। मनोज सिन्हा जी अभी LG है यहाँ पे, ओके, और गीता मित्तल जी है दोस्तों जो कि अभी यहाँ पे क्या बनी हुई है, अपनी चीफ जस्टिस है जो कि बनी हुई है। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और एक बार गाइस वीडियो को शेयर कर दो, काफी सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और भी बच्चे जो है वो जाग जाएंगे। चलो आज वैसे संडे है, चलो कोई बात नहीं, मत करो शेयर, सोने दो, मतलब आज के दिन तो एटलीस्ट, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोशिश क्या करो कि मंडे टू फ्राइडे बढ़िया पढ़ाई करो, सैटरडे को रिवीजन करो, संडे को चिल करो, संडे को ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई मत क्या करो। ठीक है गाइज, और यहाँ पे डिवीजन जो है वो 22 के अंदर डिवीजन है ना, जो पॉलिटिकल सब डिवीजन किए हुए हैं वो किसके अंदर, 22 के अंदर, 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, काफी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे चार डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सालाल, दलस्ती और रटल डैम, और साथ में यहाँ पे बगलिया, ये चार डैम है जो कि चेनाब के ऊपर है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरल फैक्ट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जनरल फैक्ट्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइज, आपको मालूम है ग्रीन टी के लिए बहुत फेमस है, आमंड्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, वैष्णो देवी के लिए बहुत फेमस है, हमारे करोड़ों लोग जाते हैं हर साल। सिटी ऑफ लक्ष्मी द गॉड्स ऑफ वेल्थ है, जो कि मीनिंग है किसका, श्रीनगर का। इसके अलावा क्रिकेट बैट जो है बचपन में खेले होंगे, क्रिकेट विलो है ना, कश्मीरी विलो बोलते हैं जिनको अपन, बहुत ही फेमस बैट हुआ करते थे। कुछ नॉमेडिक ट्राइब्स भी है दोस्तों जो कि यहाँ पे फेमस है। ठीक है गाइज, चलिए जम्मू एंड कश्मीर की रिसेंट की बात करें तो यहाँ पे एक पंचायत हल्का नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था गांव तक पहुंचने के लिए। 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दी गई हैं। कश्मीरी सैफ्रॉन को GI टैग मिला है, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है जो भी लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं उनके लिए, और अंजी खाद ब्रिज जो है प्रोजेक्ट ये भी लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19
नॉन टॉलरेंस फॉर्टनाइट मनाएगा। तो ये दोस्तों किसके द्वारा, ये मिजोरम के द्वारा दोस्तों मनाया जा रहा है, ठीक है, मिजोरम। तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, COVID-19 नो टॉलरेंस फॉर्टनाइट है दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया ताकि COVID-19 को कंट्रोल किया जा सके। आइजोल कैपिटल, आठ डिस्ट्रिक्ट, पिल्ले साहब यहाँ पे गवर्नर है, जोरम थंग जी यहाँ पे सीएम, 40 विधानसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा की सीट है। फेस्टिवल की बात करें तो चैपचार बहुत ही फेमस है। डांसेस की बात करें तो यहाँ पे खुल्लम चाई ये बहुत फेमस है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ब्लू माउंटेन, डंपा और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक नए अंग की खोज करी है, इसे डैश नाम दिया गया है। तो भैया नया अंग है जो कि बॉडी में आ चुका है, और अब से आपको बायोलॉजी जब पढ़ाई जाएगी तो इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल बैग के अंदर है, इसको बोलते हैं ट्यूबेरियल स्लेवरी ग्लैंड। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन वाला। तो ये नया ऑर्गन है जो कि थ्रॉट के अंदर डिस्कवर किया गया है दोस्तों, इसके ऊपर प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर रिसर्च करते हुए इसके बारे में पता लगा है, उसको नाम दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, जो अपर पार्ट है अपने थ्रॉट का, वहां पर है अपने नोज की जस्ट पीछे की तरफ, है ना, और अपने स्लेवरी ग्लैंड का ही एक पार्ट है दोस्तों, और ये हमारे थ्रॉट को लुब्रिकेट करने, मॉइस्चर करने के काम में आता है, ऐसा माना जा रहा है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है जो कि लॉन्च किया है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, ये CBSE के द्वारा दोस्तों किया गया है। तो बी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, यानी कि आप डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो अपने चेहरे के हिसाब से, चेहरा जो है इसमें रिकॉग्नाइज कर लेगा। अच्छी बात है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे देश में CBSE से नियर बाय 20,000 स्कूल है दोस्तों, 220 स्कूल 28 फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी है। ओके, पहली बार फर्स्ट एजुकेशन जो बोर्ड है वो इंडिया में उत्तर प्रदेश बोर्ड सेटअप किया गया था, मतलब 1921 के अंदर, HRD मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने IIT रोपड़ के स्थायी परिसर को डैश में राष्ट्र को समर्पित किया। तो IIT रोपड़ जो है ना दोस्तों, इसका परमानेंट कैंपस जो कि कहां पर है, पंजाब के अंदर दोस्तों किया गया है। ओके, तो IIT रोपड़ एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि सतलज के पास में रूपनगर पंजाब में बनाया गया है। 2008 में इसकी शुरुआत करी गई थी और 8 नए IITs बनाने के लिए बोला गया था HRD के द्वारा। ओके, तो उसी के तहत दोस्तों किया गया है। हाल ही में DRDO ने पोखरण रेंज में नाग मिसाइल का अंतरिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। नाग मिसाइल क्या है? तो नाग क्या है दोस्तों, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में हमने पढ़ाई था इसके बारे में, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, बहुत ही सिंपल जवाब है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डैश के साथ साझेदारी में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू करी है। इसके तहत दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा नेशनल म्यूजियम है ना कहाँ पे दिल्ली, उसके अंदर जो छोटे छोटे से जो आर्ट वाली चीजें रखी हुई है, कल्चर वाली चीजें रखी हुई है, पेंटिंग्स रखी हुई है, आप उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, और ऐसा गूगल के साथ में साझेदारी करके किया गया है। लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट है जो कि इसका नाम दिया गया है, आपको गूगल आर्ट एंड कल्चर के द्वारा आप इसको देख सकते हैं। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को डैश से पहला रामसर साइट टैग मिला है। तो ये आसन कंजर्वेशन कहाँ पर है, ये है आपके उत्तराखंड के अंदर, और वहां का पहला रामसर साइट है। रामसर दोस्तों ईरान के अंदर एक जगह है, वहां पे ये वेटलैंड को बचाने के लिए जो है ना ये किया गया था प्रोटोकॉल, और उसी के तहत दोस्तों हमारे देश में अभी कितने 39 है जो कि टोटल हो चुके हैं। और उत्तराखंड के मालूम है आपको, समर गार्ड सेन, विंटर विंग, देहरादून, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। ओके गाइस, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करी है। तो स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए, जैसे आपको मालूम है दोस्तों केरला ने अपने पूरे गवर्नमेंट स्कूल को चेंज कर दिया है, और एक बहुत ही जबरदस्त मतलब हाईटेक स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल को बना दिया है, उसी की तर्ज में तमिलनाडु भी दोस्तों यही कर रहा है और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मतलब क्या होता है कि जब एक देश के अंदर राज्य डेवलप का होता है या फिर वहां पर काम करता है ना, तो क्या होता है कि बाकी सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है कि आप भी करो। जैसे केरला ने करके तो तमिलनाडु के ऊपर भी आवाज उठी, वहां पे भी किया, इसी तरीके से देश का डेवलपमेंट होता है। तो हर राज्य को इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया अच्छा करने को लेकर, तो क्या होता है फिर बाकी राज्य कॉपी करते हैं, उसी से दोस्तों बदलाव, एक बेहतर बदलाव आता है। ये देखिए, तो इस तरीके का बोर्ड है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि केरला जितनी हाई क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन
ठीक है, एटलीस्ट पहले से तो बेटर ही है। तमिलनाडु की बात करें, तमिल लैंग्वेज ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज है। 2004 में इसको क्लासिकल का स्टेटस मिला। रामेश्वरम एक्सट्रीम रिलीजियस इंपॉर्टेंस है दोस्तों। रामेश्वरम टेम्पल आपको मालूम है शिवा को डेडिकेटेड है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल भी तमिलनाडु में बना था। पोंगल जल्लीकट्टू बहुत ही फेमस है, भरतनाट्यम बहुत फेमस है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इंडिया का फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि तमिलनाडु में बना रहा था, पार्टनरशिप किया है WEF के साथ में। पहला राज्य जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी को स्टार्ट किया। तमिलनाडु के फर्स्ट सीएम अन्नादुराई जी का 111वां बर्थडे मनाया गया 15 सितंबर को। और यहाँ पे अदिचा नूलर एक साइट है दोस्तों, वो भी मिली है तमिलनाडु में। और रिसेंटली GI टैग मिला अरुम्बर अरुम्बाविर वुड कार्विंग और नेटिव वर्क्स को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित करने के मुद्दे की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व करेगा? तो गाइस एक्सपेंडिचर लिमिट जो है ना कैंडिडेट की, लोकसभा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में उसको रिवाइज करने को लेकर, हालांकि रिवाइज कर दिया गया है। पहले तो आप MLA जो है वो 28 लाख रुपए लगाया करता था, अभी उसको 30.8 लाख रुपए अलाउ कर दिए गए हैं। MP की बात करें तो MP के 70 लाख रुपए बजट है, हालांकि खर्च तो 4-5 करोड़ होते हैं लेकिन ठीक है थ्योरेटिकली है। तो इस कमेटी के हेड हरीश जी और उमेश जी को बनाया गया है। हाल ही में विजयलक्ष्मी रमनन, इतने पैसे को तो मेरे ख्याल से चाय पी जाते होंगे लोग यार इलेक्शन के अंदर, चाय बीड़ी सिगरेट जो है ना वही हो जाती होगी 10-20-50 लाख रुपए की। तो चलिए, हाल ही में विजयलक्ष्मी रमनन जी का निधन हो गया, वह पहली कौन थी? तो ये दोस्तों भारतीय वायुसेना में पहली अधिकारी थी दोस्तों जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। ओके गाइस निधन हुआ है, 96 साल की थी और 1955 में प्रमोट हुई थी विंग कमांडर के तौर पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? इस योजना का उद्घाटन किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों किया गया है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चीफ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके और ठीक है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, फ्री लोन है जो कि फार्मर को 2 लाख से 3 लाख जो है वो कर दिया गया है। ठीक है उत्तराखंड तो के बारे में बाकी सब आपको मालूम ही है, अभी हमने बात करी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की अगर मैं बात करूं गाइस तो ये ठीक है कहां पर है, ये किया गया है छत्तीसगढ़ के ऊपर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर कैपिटल है, 27 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, अनुसुईया जी यहाँ पे गवर्नर है भी। बस्तर मदाई चंपारण गोंचा ये सारे फेस्टिवल फेमस है। जनरल फैक्ट्स की बात करें तो 15% स्टील का प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही फेमस है। सीमेंट का 20% प्रोडक्शन, कोल का भी होता है। ओवर प्रोड्यूसिंग स्टेट है दोस्तों टिन का ओनली, और धान का कटोरा राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कैंपेन लॉन्च किया गया। इसके अलावा पढ़ाई तुहर 12 नाम की स्टूडेंट सेंटर स्कीम लॉन्च करी गई। ठीक है बाकी तो सब बहुत ही सिंपल है। शहीद महेंद्र कर्मा अवार्ड यहाँ पे एक और स्कीम लॉन्च करी गई। हाल ही में यूरोपियन संसद सदस्यों ने यूरोपियन संघ से निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है? तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है ना उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज लगाई कि भाई ये पाकिस्तान को क्या करो, बैन करो। ये पाकिस्तान तो एक नंबर का ये घटिया देश है, कोई लेना ना देना पूरी दुनिया को इसने कुछ नहीं दिया है टेरर के अलावा, और बस वही है मतलब। तो इसी चीज को लेकर काफी खफा है यूरोपियन यूनियन के सदस्य, और उन्होंने बोला है कि जब से ये आया है ना देश तब से परेशान है मतलब। हालांकि आज के टाइम पे तो चाइना ज्यादा परेशान कर रहा है इससे, लेकिन चाइना एटलीस्ट कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ बना तो रहा है, ये तो कुछ काम वैसे भी नहीं बनाता है। तो यूरोपियन यूनियन एक 27 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोप के अंदर, और बेल्जियम ब्रुसेल्स में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस ये देख सकते हो ये सारे के सारे मेंबर हैं इसके। निम्नलिखित में से किसे प्रमुख सौंदर्य सामान ब्रांड वेगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो वेगा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो रोहित शर्मा है दोस्तों जो कि बने हैं। हाल ही में मोहम्मद जी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये बहुत ही फेमस एक सिंगर थे दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक्टर थे जिनका रिसेंटली 90 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने दोस्तों काम किया है। मोल्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 23rd अक्टूबर, इसकी वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? तो
तो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है गाइस वो होती है 6.02 × 10 की पावर 23। ओके गाइस, तो ये केमिस्ट्री के अंदर जो है मनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं, है ना। 1 मोल क्या होता है, एक एक मास होता है ग्राम में, विच इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर पार्टिकल्स हो कितने, 10 की पावर 6.02 × 10 की पावर 23, इसको अपन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट या मोल कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके गाइस, 24 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। थीम है द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड, तो ये थीम है जो कि रखी गई है 1945 में, आपको मालूम है दोस्तों, ऑफिशियली फोर्स के अंदर यानी कि एग्जिस्टेंस के अंदर है, जो कि आया था। 51 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, भारत उनमें से एक था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ताइवान को लगभग 1.8 बिलियन डॉलर मूल्य के हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दी है, तो ताइवान को दोस्तों अमेरिका ने जो है ना 2 बिलियन डॉलर के हथियार है जो कि दे रहा है, ताकि वो चाइना से मुकाबला कर सके और वहां पे थोड़ा सा बेटर है जो कि हो सके। तो चाइना पे आपको मालूम है ताइवान के ऊपर जो है वो चाइना का कब्जा है, उसी को लेकर दोस्तों किया जा रहा है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्ला खान जी को श्रद्धांजलि दी, जो कि काकोरी ट्रेन लूट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। काकोरी ट्रेन लूट किस वर्ष करी गई थी, आपको जान के हैरानी होगी, जो काकोरी के अंदर जो पूरा खजाना था ना उसकी वैल्यू थी उस जमाने में 5,000 रुपए, और ये हम बात कर रहे हैं 1925 की। सोचिए 5,000 रुपए कितने ज्यादा हुआ करते थे 1925 में, अभी तो SSC का सब्सक्रिप्शन भी नहीं आता 500 रुपए के, 5,000 के अंदर। तो 1925 के अंदर दोस्तों ये काकोरी कांड है जो कि हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और इन सभी को दोस्तों अरेस्ट भी किया गया। ठीक है गाइस, बिस्मिल बहुत ही फेमस रहे और अशफाकुल्ला खान, ये सब लोग दोस्तों बहुत फेमस रहे हैं इस काम के लिए। चलिए, कोवैक्सीन को देश में चरण 3 परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन को डैश द्वारा ICMR के सहयोग से विकसित किया है, जो सभी को मालूम है कोवैक्सीन अभी कल परसों ही बोला गया है कि जून 2021 तक आएगी, जब तक तो 5-6 इलेक्शन भी हो चुके होंगे, और भारत बायोटेक के साथ में इसको मिलकर बनाया जा रहा है। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया। AAI कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों AAI आपका जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है गाइस, राज्य की ग्रामीण आबादी को सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस कर्मी 112 पुलिस हेल्पलाइन पर क्षेत्रीय बोलियों में वार्ता करेंगे, तो रीजनल लैंग्वेज पे बात करेंगे, 112 नंबर अगर कोई डायल करेगा तो ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 75 डिस्ट्रिक्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, 403 विधानसभा सीट, लोकसभा 31, राज्यसभा की सीट है, बेग फेयर, गौचारण फेयर, ये सब फेमस है, दुधवा पीलीभीत बहुत फेमस है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने वाली जगह बन गई उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति लॉन्च किया गया, 1 करोड़ टेस्ट करे गए, यूराइज नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया, और फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट ऑब्जर्व ब्लैक डे ऑन अक्टूबर 22, तो ब्लैक काला दिवस 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है गाइज, तो आपको मालूम है 22 अक्टूबर को थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल इन्वेडर्स ने पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर दोस्तों अटैक किया था हरि सिंह जी के फोर्सेस के खिलाफ। ओके, और पूरा कब्जे में ले लिया था, उसके बाद में इंडिया से मदद मांगी थी और इंडियन आर्मी ने दोस्तों फिर सबको भगाया था। ओके ओके, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मालूम है अनअकैडमी पे दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे कि UPSC, SSC, बैंक, कोई कैट है, कोई UGC है, कोई IIT है, तो BHU NESH भुवनेश्वर लगा के 10% ऑफ के साथ आप ले सकते हैं। ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल ही रहा है, SSC में अपना गोल सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, 12 महीने पे जाएं, रेफरल कोड में पूछेगा तो BHU 10 या फिर भुवनेश्वर 10 है, जो कि लगा के अप्लाई कर देना। ठीक है, मेरा अभी हिस्ट्री का बैच है जो कि चल रहा है, और UPSC के में भी चल रहा है, हालांकि मेरे अलावा सबकी क्लासेस आपको साथ में सबकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। विश्व हिम तेंदुआ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन का डे है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, फिर मिलते हैं गाइस कल की क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।